वेलकम बैक। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग विटारा ब्रिजा के टॉप फीचर्स लपेटने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर्स आएंगे गाड़ी के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अपकमिंग विटारा ब्रिजा को करंट वाली विटारा ब्रिजा से हटके और अलग बनाएंगी। सो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई बात कर ले पहले गाड़ी के ओवरऑल डिजाइन की, और ओवरऑल जो गाड़ी का डिजाइन निकल कर आ रहा है काफी ज्यादा सही लग रहा है। मतलब आप लोग इस गाड़ी को रोड पर चलते हुए देखेंगे तो आपकी नजर एक बार इस गाड़ी के ऊपर तो जरूर जाएगी। मतलब मारुति ने उस लेवल तक काम किया है इसमें। और फ्रंट के अंदर आपको डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे जो कि DRL के साथ आएगी, और फ्रंट से यार काफी सही लग रही है ऐसे जलते हुए। लेकिन हाँ भाई, जो इनकी DRL वाली हेडलाइट है ना, ये बस दो मॉडल में ही आने वाली हैं, ZXI एंड ZXI प्लस। VXI एंड LXI में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन का ही सेटअप मिलेगा। और तो और इसके अलावा आपको LED फॉग लैंप भी देखने को मिल जाएंगे। गोल वाले नहीं आएंगे इस बार, थोड़े डिजाइन के साथ आएंगे। और गाड़ी को आप यहाँ से पीछे से देखिए भाई, यार गाड़ी पीछे से बहुत ही सही लग रही है। और यार एक बात कहूँ दिल की, ये गाड़ी हो गई या फिर XUV700 हो गई या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गई या फिर थार हो गई, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इन सारी गाड़ियों को देखने के बाद एक फीलिंग अंदर आती है कि यार काश बस मेरे पास ही गाड़ी होती और किसी के पास नहीं, फिर मैं रोड पर चलाता और सब देखते रहते मेरे को। और भाई अगर गाड़ी के पिछवाड़े की बात करें तो पीछे आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी। और गाड़ी पीछे से भी काफी ऐसी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी लग रही है। और शार्क फिनिटी ना बेस मॉडल से लेकर पूरे टॉप मॉडल तक आएगा। और गाड़ी के अंदर की बात कर लें तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी, और गाड़ी का केबिन काफी ऐसे प्रीमियम और एयरी रिफिल होगा। और भाई जो पहले वाली विटारा ब्रिजा आती थी, अंदर की क्वालिटी बहुत खराब थी और इंटीरियर कुछ ऐसे खास दिखता नहीं था, तो मजा नहीं आती थी, और बिना मजे के मजा भी नहीं आती। और तो और इस गाड़ी के अंदर आपको हेडसअप डिस्प्ले भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप गाड़ी की स्पीड, फ्यूल और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, टाइम वगैरह। आपका ध्यान ऐसे रोड से हटेगा नहीं। और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें, आर्टिगा वाला, स्विफ्ट वाला, डिजायर वाला स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर भी आ जाएगा, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को खराब भी लग रहा है। सो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मेरे को ठीक लग रहा है। और इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बेड लाइटिंग भी मिल जाएगी अंदर, और ज्यादा बड़े एरिया में नहीं आएगी, थोड़ी बहुत एम्बेड लाइटिंग आपको मिल जाएगी जो कि गाड़ी के इंटीरियर को थोड़ा और इनहेंस कर देती हैं। और गाड़ी के अंदर आपको कूल ग्लव बॉक्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके ऐसे बोतलें वगैरह ठंडी रहने वाली हैं। इस गाड़ी के बेस मॉडल यानी कि LXI में भी आपको रियर AC वेंट्स मिल सकते हैं, ऐसा 99% चांस है। और भाई जो छोटे मोटे फीचर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, वो तो गाड़ी के अंदर कंटिन्यू ही रहेंगे। और इस गाड़ी के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा भी मिल जाएगा, जो कि भाई काफी सही फीचर रहता है पार्किंग के टाइम। लेकिन यार एक फैक्ट की बात बताऊं, जो हमारे इंडियन ड्राइवर्स होते हैं, बिना ऐसे मुंडी पीछे घुमाए उनका नहीं चलता है, कैमरे वगैरह पे ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है भाई, भाई कैमरा वैमरा कोई भाई मतलब ही नहीं कैमरे से भाई, अपना खुद ही अपनी आंखों के दम पे करते हैं, ये देखो। और हाँ भाई, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि गाड़ी के अंदर आने वाले हैं। और इस बार इसका जो बेस मॉडल भी रहने वाला है, उसके अंदर भी आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि आप उसको भी लेकर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराकर आराम से उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड वेल गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।